क्या बात है, किस बात का जश्न चल रहा है घर में? जी समीरा का बर्थडे और जो गोपी और जग्गी के बीच में जो ट्विनिंग नहीं बन पा रही थी प्यार मोहब्बत वाली, वो फाइनली बन चुके हैं। वी ऑल आर हैप्पी फॉर दैट। एंड समीरा का बर्थडे है, उसके लिए तो हमने कहा दो फंक्शन एक साथ आए हैं फैमिली में, तो क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए। ये समीरा के बर्थडे की तो हमें ज़्यादा खुशी है नहीं, क्योंकि समीरा को हम में से कोई भी पसंद नहीं करता, पूरी मोदी फैमिली पसंद नहीं करती है। तो ये जो सेलिब्रेशन है वो मेरी गोपी माँ ने, क्योंकि जग्गी जी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसलिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, फुल ऑन तैयार हुए। तैयारी तो दिख रही है, नाच गाना पिंकू जी ने उसने अपनी बहन के लिए एक सरप्राइज रखा था जो कि समीरा है, तो सरप्राइज़ के लिए उसने डांस किया, उसमें कुछ खेल भी खेला है, वो आपको जब टेलीकास्ट देखोगे तब पता लगेगा। तो उस खेल को हमने किस तरह से रीप्लान करके उसके खेल को ख़राब कर दिया था, वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अच्छा, केक बदलने की कोशिश तो की थी आपने? जी जी, पर कहीं ना कहीं आगे जाके पोपट हो जाएगा आप लोगों का। जी पोपट आप, ऐसा तो हमें कुछ नहीं पता पोपट होने वाला है। देखो, हम लोग ऑडियंस के साथ कभी नाइंसाफी नहीं करते, हम कभी पोपट होने नहीं देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि केक बदल जाए, वो आपको टेलीकास्ट में देखेगा, यहाँ पर नहीं देखेगा। अच्छा, लास्टली गोपी फॉर्म में आ गई, मतलब चोट खाने के बाद मिशन लगता है, मतलब समीरा को होट के रखेंगे? इट ऑलवेज हैपन, आप कभी भी देखिए पूरा साथे की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। पहले हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमारी गोपी माँ और हमारी दादी सासू माँ, इनके आगे कोई नहीं जीत सकता है, ये दोनों जब एक हो जाते हैं तो उनके सामने कोई दुनिया का इंसान आगे खड़ा हो जाए जीत नहीं सकता। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ रिवाज कि पहले हॉस्पिटल जाते हैं, थोड़ा सा फिर कुछ माहौल सेट नॉर्मल होता है, उसके बाद चीज़ें इस तरह की फंक्शन होते हैं, फिर देखना फंक्शन के बाद फिर कोई ड्रामा आएगा, फिर वही चीज़ें रिपीट होंगी। तो इज़ अ पार्ट ऑफ, उसके लिए आप लोग साथ निभाना साथी, 7 बजे स्टार प्लस पे देखते रहिए। हाँ, तो टीआरपी बढ़ाने के लिए बोलिए वैसे, लेकिन थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बात है, किस बात की पार्टी शुरू है घर पर, बताइए सर। वेल, बहुत ही स्पेशल ओकेजन है बिकॉज इट्स माई बर्थडे। इसका समीरा मेरी बहन का बर्थडे है, एंड ऑल्सो मोदी फैमिली का एक सेलिब्रेशन है, जो सेलिब्रेट करें दोनों को कम्बाइन कर दिया है, और इट्स अ वेरी मिस्ट्री फिल्ड पार्टी कुछ होने वाला है। स्पेशली 3 ओकेजन्स हैं कि जॉकी अंकल के पैर ठीक हो गए हैं, और माई मदर इन लॉ हॉस्पिटल से वापस आ गई हैं, एंड माई बर्थडे, तो सबके लिए है। एंड बेसिकली थोड़ा वही है कि मतलब दिस सॉन्ग स्पेशली इट्स वेरी काइंड ऑफ सस्पिशियस। हाँ, क्योंकि जैसे गाने के बोल हैं, आज की रात क्या तो होगा, होगा। पार्टी के दौरान कुछ मिस्टीरियस एंड कुछ होने वाला है जो ऑडियंस को थोड़ा चौंका दे, बहुत अनएक्सपेक्टेड अनप्रिडिक्टेबल है। सो आई थिंक द ऑडियंस इज इन फॉर अ गुड डोज ऑफ एंटरटेनमेंट। केक की अदला बदली चल रही है, क्या छुपाया मतलब केक में आप दोनों ने? हाँ भाई, वही तो है ना राज की बात, वो भी बता देंगे तो सब कुछ खुल जाएगा। तो कुछ तो है उसमें, लेकिन आप एपिसोड देखिए, वो अभी हम बता नहीं सकते। अच्छा, बैक गोपी ठीक होके वापस आ गई है, पहले तो गोपी से डर था, गोपी भी साथ में, तो डर बढ़ गया या चुनौती और डबल? मतलब अच्छी बात है कि वो ठीक के होके आ गई हैं, बट वही है कि हमारे लिए भी चुनौती है, बट ठीक है, वो दो हैं तो हम भी दो हैं, हमें और मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि अब दो हैं वहाँ और हम भी, तो चैलेंज और बढ़ गया है।